आज आपका हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की लीड्स गाड़ी आई हुई है। उसमें कस्टमर का कंप्लेंट क्या है हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए, जब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं, ये देखिए, ये मीटर की जितनी सारी लाइटें रहती है वो सारी लाइटें ब्लिंक होने लगती है। ये देखिए, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसको हम स्टार्ट करके भी आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करने के बाद भी सारी लाइटें ब्लिंक होती है। ये देखिए, हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, ये देख रहे हैं, जो हमारा फ्यूल गेज का लाइट आता है जो डिस्प्ले पे, वो भी ब्लिंक हो रहा है, देख सकते हैं। तो हम फ्रेंड इसका मीटर ओपन करेंगे और ओपन करके और इसका जो पीछे का मेन सॉकेट आता है उधर देखेंगे कोई मॉइस्चराइजर पकड़ा है क्या। अगर मॉइस्चर पकड़ा है तो हम उसे साफ करके लगा के एक बार चेक करेंगे, और नहीं पकड़ा रहेगा तो मीटर को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका मीटर ओपन करते हैं। मीटर ओपन करके आपको दिखाते हैं, और मीटर ओपन करने के लिए आपको क्या क्या ओपन करना पड़ेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाड़ी बंद करते हैं। देख सकते हैं, एक बार और हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूरी लाइटें ब्लिंक हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसका मीटर ओपन करेंगे। मैंने जो क्रोम का पट्टी है उसको बहुत संभाल के निकाला जाता है, क्योंकि टूट जाता है। तो आप देखिए, हम इसको बहुत संभाल के निकालेंगे क्योंकि बहुत जल्दी टूटता है फ्रेंड, इस बात को खाली आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक कवर निकाल लीजिएगा गियर का, उसके बाद से आपको दो स्क्रू ओपन करना है। फ्रेंड, ये दो स्क्रू ओपन करने के बाद फिर आपको इसको ओपन करना है। इसके अंदर एक क्लिप आता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले गियर का कंसोल का ये जो कवर है ये निकाल लीजिएगा, फिर दोनों स्क्रू ओपन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिए एक क्लिप रहता है। ये क्लिप को निकालना जरूरी है, क्लिप अगर आप ओपन नहीं करेंगे, ये देखिए एक क्लिप है ऊपर से, एक क्लिप एक क्रोम पट्टी के लिए दिया जाता है। अगर आप एक क्लिप ओपन नहीं करेंगे और ऐसे इसको निकालेंगे तो टूट जाएगा, तो इसके लिए बात को ध्यान दीजिएगा। ये कवर को ओपन करके और यहाँ पे आपको क्लिप दिखेगा, एक क्लिप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से फ्रेंड बहुत बारीकी से इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, एकदम आराम आराम से कटाना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत हल्का आइटम रहता है, तुरंत टूट सकता है, इसके लिए बहुत आराम से इसको कटाना पड़ेगा आपको। थोड़ा भी आप ताकत लगाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा, एकदम हल्के हाथों से फ्रेंड आपको इसको निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इस क्रोम पट्टी को बाहर ले लिया है, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा कहीं भी कुछ क्रैक व्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, देखिए। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं, इसको निकालते समय इसको तोड़ देते हैं, लेकिन बहुत एकदम हल्के हाथों से इसे कटा कटा कर निकालना पड़ता है। ये क्रोम पट्टी निकालने के बाद आपको ये दो स्क्रू ओपन करना है। ठीक है, इस तरह से इसको कटाना है, कटा के और इसको पूरा बाहर आपको ले लेना है। ये देखिए, ये बाहर लेंगे तो ये आपका ये कवर निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से आपको खींचना है, ये आगे की तरफ खींचेंगे तो ये कवर आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये मीटर का हमने कवर ओपन कर दिया है,
इसके बाद से हम मीटर का ये देख सकते हैं, ये दो स्क्रू है वो सर, तो देख सकते हैं ये मीटर का दो आपको स्क्रू ओपन करना है, ये दो स्क्रू ओपन करेंगे तो आपका मीटर बाहर आ जाएगा। इसमें दो प्रेस क्लिप आता है ये नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर दो स्क्रू दिया जाता है, ठीक है, इसमें दो स्क्रू आता है और दो प्रेस क्लिप आता है, तो इसको संभाल कर निकालते समय भी संभाल कर खींचेगा ना तो ये भी आपका टूट सकता है, जो क्लिपिंग का जो ये आता है ये आपका क्लिपिंग का भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये हमने मीटर ओपन कर दिया है, अब इसका सॉकेट ओपन करके हम इसका मीटर बाहर निकालेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था, तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें कुछ मॉइस्चर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मीटर फ्रेंड हमको रिपेयर ही करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इस मीटर के लिए कस्टमर जी से बात करेंगे कि मीटर आपको रिपेयर करना है कि नया डालना है। जैसा हमको वहाँ से सामने से रिस्पॉन्स आएगा वैसा हम आपको बताएंगे, अगर रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे तो रिप्लेस करेंगे और रिपेयर करने के लिए बोलेंगे तो रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि हम कस्टमर जी से बात करेंगे, उसके बाद इसका डिसीजन लेंगे कि हमें मीटर रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है। आप देख सकते हैं हमने कस्टमर जी से बात किया तो उन्होंने बोला नहीं मीटर हमारा नया डाल दीजिए, रिपेयर मत कीजिए। तो हमने इसका मीटर अरेंज किया, देख सकते हैं ये मारुति का LGP का है, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है। हम आपको इसका सील पैक ओपन करते हैं, देख सकते हैं ये इसका नया मीटर है। ठीक है फ्रेंड, ये इसका नया मीटर है, ये देख सकते हैं इसका जूना वाला है। तो हम नया मीटर फिट करेंगे, फिट करके चेक करेंगे हमारा जो कोल्ड था, जो लाइट ब्लिंकिंग का वो सॉल्व होता है कि नहीं। जितना दिखा रहा था बराबर एकदम दिखा रहा है, डिस्प्ले लाइट भी बराबर आ रहा है, ब्लिंकिंग भी नहीं कर रहा है। अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, सारी लाइटें चली गई है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो मीटर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, हमने इसका नया मीटर रिप्लेस किया है, देख सकते हैं। फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये देखिए कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमने ये मीटर कंप्लीट कर दिया है, अब इसका जो भी हमने पार्ट ओपन किया था, इसका कवर ओवर, इसका कंसोल का गियर का कंसोल का कवर ओवर जो भी, हम सारे फिट करके आपको दिखाते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले पे लाइट आ रहा था वो भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, फ्यूल गेज का पूरी तरह से प्रॉपर ओके है। फ्रेंड हमने मीटर फिट कर दिया है, मीटर फिट करके कवर भी फिट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें हमने जो ओपन किया था उसे भी फिट करेंगे। ये जो क्रोम का पट्टी है फ्रेंड अब हम इसको लगाएंगे, इसको लगाने के लिए भी फ्रेंड बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि लगाते समय भी प्रेस करते समय भी टूट सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम इसको बहुत सावधानी से लगाएंगे।
इसका दो जो दो स्क्रू हमने ओपन किया था उसे ही फिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारी क्रोम पट्टी जो आती है पूरी तरह से एकदम चिपक चुकी है, कहीं भी किसी तरह का गैप नहीं है, कुछ टूटा फूटा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हमने जो ऊपर का एक क्लिप निकाला था उससे भी लगाएंगे। देख सकते हैं ये क्रोम पट्टी का क्लिप है। ये हमारा मीटर का जो वीडियो था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके लिए जो भी पार्ट ओपन किए थे सारे फिट कर चुके हैं। देखिए कवर फिट कर दिया है, क्रोम पट्टी हमने ओपन किया फिट कर दिया है, गेट का जो कवर आता है फिट कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड, फिर से हम आपको एक बार कंप्लीट के साथ ये देखिए कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सारे लाइटें ऑटोमेटिक चली जा रही है। हमारा फ्यूल गेज का जो मीटर जो ब्लिंक कर रहा था वो भी देखिए रुका हुआ है, ब्लिंकिंग उन्लिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड हमने इसमें ये मीटर जो है रिप्लेस किया है, क्योंकि हमारा कस्टमर जी बोले कि इसको रिपेयर मत कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसके हिसाब से काम किया है, तो इसलिए हमने इसका मीटर नया डाल दिया है। आज का ये हमारा वीडियो था मीटर रिप्लेस का। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।